subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी उसमें पाठ 11 से 15 तक का हम रिवीजन करेंगे। तिरंगा झंडा, भेड़िए की सुंदरता, गौरी, मैं मक्खी हूँ और सोनू को सीख मिली, इनका हम अभ्यास करेंगे। इनमें सबसे पहले हम तिरंगे झंडे का अभ्यास करेंगे। तिरंगा झंडा ले तिरंगो झंडो, यह तिरंगे झंडे का चित्र है। आ तिरंगा झंडा नु चित्र छे। यह स्वतंत्र भारत का झंडा है। आ स्वतंत्र भारत नु झंडो छे। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। आ आपनो राष्ट्र ध्वज छे। इसमें 3 रंग है। आमा 3 रंग छे। ऊपर केसरी, बीच में सफेद और नीचे हरा। ऊपर केसरी, वच्चे सफेद अने नीचे लीलो। 3 रंगों के कारण इसे तिरंगा कहते हैं। 3 रंगों ने कारण तेने तिरंगो कहे छे। सफेद रंग के पटे में नीले रंग का चक्र है। सफेद रंग ना पटा मा वादड़ी रंग नु चक्र छे। उसे अशोक चक्र कहते हैं। तेने अशोक चक्र कहे छे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त अने 26 जनवरी ए आपने तिरंगो झंडो फरकाविए छे। तिरंगा हमारे देश की शान है। तिरंगो अपना देश नो गौरव छे। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। आपने अपना झंडा ने मान आपवो जोईए। अब पाठ 12, भेड़िए की सुंदरता, वरुणी सुंदरता। एक भेड़िया था, वह अपने को बहुत सुंदर समझता था। एक वरु हतो, ते पोताने खूबज सुंदर समझतो हतो। एक दिन जंगल में उसे एक आईना मिल गया। एक दिवस जंगल माते ने एक अरीसो मिली गयो। भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। वरुए अरीसा मा पोतानो चेहरो जोयो। बापरे, इतनी डरावनी! आईने में अपनी सूरत देखकर कहता है, बापरे इतनी डरावनी। हरिश्मा पोतानो चेहरो जोई अने कह्यू, बापरे आटली डरावनी। भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया और आईना वही छोड़कर भाग गया। वरु हरिश्मा पोतानो ज चेहरो जोई अने डरी गयो। अरीसो जंगल मां छोड़ी अने ते त्यांथी भागी गयो। अब पाठ 13, गौरी। यह हमारी गाय है। आ हमारी गाय छे। हम उसे गौरी कहते हैं। हमें तेने गौरी कहिए छी। गौरी बहुत सीधी गाय। गौरी खूब सीधी गाय छे। वह दुधारू है। ते दूध आपनारी छे। वह रोज 6-7 लीटर दूध देती है। ते रोज 6-7 लीटर दूध आपे छे। गौरी को एक बछड़ा है। गौरी ने एक वाछरडू
છે ઉસકા નામ લાલુ હે તેનું નામ લાલુ છે હમ ઉસે બહુત પ્યાર કરતે હે અમે તેને ખૂબ જ પ્યાર કરીએ છીએ अब पाठ 14 में मक्खी हूँ माखी छू मुझे कौन नहीं जानता मने कौन नहीं जानतु ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजरी न हो एवी कोई जगह नहीं जहाँ मारी हाजरी ना हो हाँ सफाई से मैं दूर भागती હા સફાઈથી હું દૂર ભાગું છું ગંદી ચીજે મુજે બહુત પસંદ હે ખરાબ વસ્તુ મને ખૂબ જ ગમે છે ગંદી ચીજો મેં રોગો કે જંતુ રહેતે હે ખરાબ વસ્તુમાં રોગોના જંતુ રહે છે મેં ઉન જંતુઓ કો ઘર ઘર ફેલાતી હું તે જંતુઓને ઘરે ઘરે ફેલાવું છું બહુત સી બીમારિયા મેરે કારણ હી ફેલતી હે કે ઘણી બધી બીમારી છે એ મારા કારણે જ ફેલાય છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આવે બીજી જગ્યાએથી આપણા હાથ પર બેસે તો આના કારણે બીમારી फैलाई थी बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो ते बीमारी थी बचवा माटे अपने आपनु घर अने शेरी स्वच्छ राखवी जोईए तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहां नहीं आऊंगी ते तुम्हारो घर एकदम स्वच्छ अने सुंदर हशे तो हूं त्यां आवीश नहीं मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है मारा न आवाथी ज तुम्हारी अने तुम्हारा कुटुंब नी भलाई छे अब इस पाठ के कुछ प्रश्न के उत्तर देखते हैं मक्खी कहाँ पाई जाती है मक्खी गंदी चीजों में पाई जाती है मक्खी किससे दूर भागती है मक्खी सफाई से दूर भागती है रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं गंदी चीजों में रोगों के जंतु रहते हैं किससे बचने में हमारी भलाई है बीमारियों से बचने में हमारी भलाई है अब पाठ 15 सोनू को सीख मिली सोनू ने શિખામણ મળી સોનુ કો કેલા બહુત પસંદ થા સોનુ ને કેળા ખૂબ જ પસંદ હતા વહ કેલા ખાકર છિલકા ઇધર ઉધર ફેંક દેતા થા કે તેની એક ખૂબ જ ખરાબ આદત હતી કે તે કેળું ખાય અને તેની છાલ છે એ ગમે ત્યાં આમ તેમ ફેંકી દેતો હતો યહ ઉસકી આદત થી આ એની આદત હતી માં સોનુ સે કહેતી બેટા કેલા ખાકર છિલકા હંમેશા ટોકરી મેં હી ડાલા કર સોનુની માં છે ઈ સોનુને વારંવાર કહેતી કે બેટા કેળું ખાય અને તેની છાલ છે ઈ હંમેશા ટોપલીમાં નાખ ઇધર ઉધર છિલકા ફેંકના બુરી બાત હે કે આમ તેમ છાલ ફેંકવી એ ખૂબ જ ખરાબ આદત છે સોનુ માં કે ઇસ સીખ પર ધ્યાન નહીં દેતા થા સોનુ તેની માની આ શિખામણ પર ધ્યાન આપતો ન હતો તે પોતાનું જ ધાર્યું કરતો હતો કે પોતાની જે આદત હતી આમ તેમ છાલ ફેંકવાની તે એવી જ રીતે કરતો હતો એક દિન સોનુને કેલા ખાયા ઓર છિલકા રાસ્તે પર ફેંક દિયા એક દિવસ તેણે કેળું ખાધું અને તેની છાલ છે એ તેને રસ્તા પર ફેંકી દીધી
उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी के जारे ते केड़ानी छाल फेंकतो होतो एज समये तेने रस्ता पर जमीन पर पतंग पड़े एवुं तेने जोयुं। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा ते सोनू छे ई पतंग पकड़वा माटे दौड़ियो। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया तो तेनो पग छे ई केड़ानी छाल पर पड़ियो अने ते लपसी गयो। उसके घुटने में चोट लगी तेना घुटन मां वाग्यो। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई के ते दिवस थी के ज्यारे ते केड़ानी छाल मां पग पड़ियो अने ते लपसी गयो ते दिवस थी तेने सोगंद लीधा के हवे हूँ क्यारे फळोनी छाल छे हूँ आम तेम फेंकीश नहीं। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। हवे ते छाल हमेशा टोकरी में ज नाखे छे। अच्छी आदत के सामने सही और बुरी आदत के सामने गलत लिखे के सारी आदत हो तेनी सामे सही अने खराब आदत हो तेनी सामे गलत। सुबह जल्दी उठना यह वाक्य सही है के आपने छे ई सवारे वहलू उठवू जोईए। प्रतिदिन दांत साफ करना यह वाक्य सही है। प्रतिदिन એટલે કે દરરોજ દરરોજ આપણે આપણા દાંત છે ઈ સાફ કરવા જોઈએ। રોજ સ્નાન ન કરના યો વાક્ય ગલત છે। આપણે રોજ સ્નાન કરવું જોઈએ। પ્રતિદિન કઈ બાર ચાય પીના યો વાક્ય ગલત છે કે રોજ આપણે વારંવાર ચા પીવો જોઈએ કે આખા દિવસની અંદર આપણે એકવાર ચા પીએ તો ચાલે પણ વારંવાર ચા ન પીવો જોઈએ। ફળો કે છિલકે ઇધર ઉધર ફેંકના યો વાક્ય ગલત છે કે ફળોની છાલ છે એ આપણે ગમે ત્યાં આમ તેમ ફેંકવી જોઈએ નહીં। છિલકે હંમેશા ટોકરી મે હી ડાલના યો વાક્ય સહી હે કે છાલ છે એ આપણે હંમેશા ટોપલીમાં નાખવી જોઈએ। ઘર તથા આંગન કો સાફ સુથરા રખના યો વાક્ય સહી હે કે આપણે આપણું ઘર અને આંગણું છે એ આપણે સાફ અને સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ। દિનભર દૂરદર્શન દેખના યો વાક્ય ગલત હે। દિનભર એટલે કે આખો દિવસ દૂરદર્શન એટલે કે ટીવી કે આખો દિવસ આપણે ટીવી જોવું જોઈએ नहीं। विद्यार्थी मित्रों आपको ये सभी पाठ समझ में आ गए होंगे। फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद।